गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकल फेज प्रेरण मोटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है, और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोग को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 54 तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कर रहा है। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। देखिए रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा बोल रहा है। ये रिपल्सन मोटर जो है ना, रिपल्सन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब समान चुंबकीय ध्रुव को आपस में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन की क्रिया होती है, और उसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है मोटर। इसका संरचना काफ़ी जटिल होता है, फिर भी इसका जो है घूर्णन दिशा को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। तब इसके घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है, घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए हम लोग ब्रश की स्थिति परिवर्तित करके एकदम आसानी से इसके घूर्णन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ना तो रोटर या स्टेटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित किए बिना ही हम इसके ब्रश को स्थिति को परिवर्तित करके हम इसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। देखिए उत्तम पावर फैक्टर की बात कर रहा है, किस प्रकार के एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। ये उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करने वाला भी यही एक रिपल्सन मोटर है, जो एक उत्तम पावर फैक्टर पे कार्य करता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी, एक रिपल्सन मोटर एक उत्तम पावर फैक्टर पर भी कार्य करता है। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजक को बदल कर नहीं किया जा सकता है, संयोजक को बदल करके नहीं किया जा सकता है, वह कहलाता है। देखिए यही एक रिपल्सन मोटर है। अभी जस्ट बताएं कि इसकी घूर्णन दिशा को हम लोग क्या करते हैं, इसके ब्रश की स्थिति को बदल करके करते हैं, ना कि इसके संयोजक को बदल करके। तो ये रिपल्सन मोटर एक ऐसा मोटर है जिसकी घूर्णन दिशा को संयोजक को बदल कर नहीं किया जा सकता। इसके घूर्णन दिशा का जो परिवर्तन होता है हम संयोजक को बदल कर नहीं कर सकते हैं, ये है रिपल्सन मोटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखिए 58 नंबर में आपको मिलान करने के लिए दिया है। 58 नंबर में देखिए एक मिलान करने हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ सूची है 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है। देखिए उसके पास ए में दिया हुआ है, सूची वन में ए दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, इसको समझिए। ये जो देखिए
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग जो हम लोग देख रहे हैं ये उपयोग करते हैं हम लोग लेथ मशीन में, ठीक है। उसके बाद शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं हेयर ड्राई में। फिर यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं मिक्सचर ग्राइंडर में। फिर रिपल्सन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं कंप्रेशन में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी नंबर मैच करेगा ये। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 59 में क्वेश्चन में देखिए, 59 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 59 क्वेश्चन को समझिए। निम्न में से कौन सा वक्र रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर टॉर्क स्पीड अभिलक्षण को बताता है? देखिए रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण को दर्शाता है। तो इसमें देखिए इसका अभिलक्षण जो दर्शाएगा ये आपका डी नंबर दर्शाएगा, ये डी, ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो टॉर्क स्पीड अभिलक्षण इस प्रकार होता है। 60 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 60 नंबर क्वेश्चन का मैं कह रहा है कि नो लोड स्पीड पर रिपल्सन मोटर की गति होती है। देखिए नो लोड, नो लोड पर जो है ना रिपल्सन मोटर की गति जो है ना वो आपका जो है गति अत्यधिक उच्च होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है सिंगल फेज मोटर जिसके दोलन की दिशा संपर्कन बदल कर नहीं बदली जा सकती, सिंगल फेज मोटर जिसके दोलन की दिशा संपर्कन बदल कर नहीं बदली जा सकती वह है, तो वह कौन सा मोटर है? तो वो देखिए रिपल्सन मोटर है जिसका संपर्कन बदल कर नहीं की जा सकती है, वो आपका रिपल्सन मोटर कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण से चालित मोटर में जब मोटर चलती रहती है तो ब्रश डैश होगी। तो कह रहा है रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण से चालित मोटर में जब मोटर चल रही हो तो ब्रश डैश होगा। ब्रश उस स्थिति में क्या होता है, कंपनसेटर से ऊपर उठेगा और कम्यूटेटर से ऊपर उठेगा और कम्यूटेटर मैकेनिज्म के द्वारा लघु परिपथ में होता है, ठीक है। ये 62 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है कि कम्यूटेटर जो है कम्यूटेटर से ऊपर उठेगा और कम्यूटेटर मैकेनिज्म के द्वारा लघु परिपथ में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 62 का। उसके बाद चलिए 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है, कह रहा है किसी प्रकार का प्रेरण मोटर की स्टेटर वाइंडिंग अचानक जल उठती है जब उसका रोटर एसी आपूर्ति के दौरान पश्च विद्युत वाहक बल की अनुपस्थिति के कारण घूर्णन नहीं करता है। कौन सा मोटर स्टेटर वाइंडिंग नहीं जलेगा यहाँ तक कि मोटर का रोटर नहीं घूमता है तथा लंबे समय तक वो आवश्यक समय तक आदर्श रखा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन है, तो देखिए किस प्रकार का प्रेरण मोटर की स्टेटर वाइंडिंग अचानक जल उठती है जब उसका रोटर एसी आपूर्ति के दौरान पश्च विद्युत वाहक बल की अनुपस्थिति के कारण घूर्णन नहीं करता है। कौन सा मोटर स्टेटर वाइंडिंग नहीं जलेगा यहाँ तक कि मोटर का रोटर नहीं घूमता है तथा लंबे समय तक वो आवश्यक समय तक आदर्श
रखा जाता है तो वो आपका स्टेपर मोटर है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टेपर ही मोटर है कैसा। उसके बाद चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्टेपर मोटर का रोटर होता है, स्टेपर मोटर का रोटर होता है, देखिए स्टेपर मोटर का रोटर जो होगा वो वर्ग के आकार का होता है, सॉरी स्टेपर मोटर का रोटर वो जो होता है आपका, सॉरी वो बेलनाकार का होता है, रोटर जो होगा वो बेलनाकार का होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बिना एक्साइटेशन वाली सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, बिना एक्साइटेशन का, बिना एक्साइटेशन का सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछ रहा है, तो बिना एक्साइटेशन का देखिए, बिना एक्साइटेशन का आपका होता है रिलक्टेंस मोटर, जो बिना एक्साइटेशन वाली सिंक्रोनस मोटर है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 66 हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर बनाया जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो बनाया जाता है, वो किसका बना, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर जो है वो चुंबकीय पदार्थ का बनाया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखिए 67 नंबर हिस्टैरिसीस मोटर के रोटेशन की दिशा डैश द्वारा निर्धारित होती है, हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर की दिशा डैश द्वारा निर्धारित होती है, तो देखिए हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर की दिशा मुख्य ध्रुव के सापेक्ष शैडेड पोल की स्थिति, मुख्य ध्रुव के सापेक्ष शैडेड पोल की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर की दिशा मुख्य ध्रुव के सापेक्ष शैडेड पोल की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। अब 68 नंबर क्वेश्चन में करा प्रेरण मोटर में प्लगिंग के समय, प्रेरण मोटर में प्लगिंग के समय फेज उत्क्रम हो जाता है, फेज उत्क्रम हो जाता है प्रेरण के समय, तो देखिए प्रेरण के समय प्लगिंग के समय, प्रेरण मोटर में प्लगिंग के समय फेज उत्क्रम हो जाता है, यानी फेज उसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 69 क्वेश्चन की ओर कहता है यदि एक एकल फेज मोटर प्रेरण मोटर सॉरी यदि एक एकल फेज प्रेरण मोटर निर्धारित चाल से कम पर चलता है तो वह गड़बड़ी का मुख्य कारण है, तो गड़बड़ी का मुख्य कारण क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है कि एक जो है ना एकल फेज मोटर निर्धारित चाल से कम पर चलता है, तो कम पर चलेगा तो गड़बड़ी का एक मुख्य कारण क्या होगा, तो एक गड़बड़ी का मुख्य कारण होगा कि आवरणों के घिसने तथा निम्न वोल्टेज वो ओवरलोड, आवरणों के घिसने भी हो सकते हैं, निम्न वोल्टेज तथा ओवरलोड कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए कहता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली में मोटर निम्न में से किसके समान कार्य करता है, रीजेनरेटिव प्रणाली, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली मोटर निम्न में से किसके समान कार्य करता है, ये जनित्र के समान कार्य करेगा रीजेनरेटिव प्रणाली में, रीजेनरेटिव जो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शैडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूर्णन क्षेत्र, शैडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूर्णन क्षेत्र डैश द्वारा उत्पन्न होता है, डैश द्वारा उत्पन्न होता है, देखिए शैडेड पोल सिंगल फेज मोटर में जो है घूर्णन क्षेत्र हम लोग शैडिंग रिंग जो उसमें लगाते हैं, शैडिंग रिंग के ही थ्रू इसमें क्या होता है घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न होता है, शेडिंग रिंग जो इसमें शेडिंग रिंग लगाते हैं इसी के थ्रू,
इसी के थ्रू जो है सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। बहत्तर नंबर क्वेश्चन को समझिए, लेआउट भागों का यहाँ पे मिलान करना है। 72 नंबर क्वेश्चन में, तो 72 नंबर क्वेश्चन में लेआउट का मिलान करना है। देखिए लेआउट को मिलान करने के लिए यहाँ पे ए दिया है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। देखिए ए भाग क्या है, ए भाग क्या है कि अगर अधिक धारा बहेगा तो यह मोटर को ट्रिप कर देगा, ए भाग यही है। फिर उसके बाद देखिए बी भाग को देखिए, बी भाग क्या है, बी भाग आपका, बी भाग है, बी भाग क्या कर रहा है, बी भाग कह रहा है कि इसे परिवर्तित कर गति का चयन किया जा सकता है, बी भाग। फिर चलिए सी भाग देखिए, सी भाग है वेस्टर्न सहित घूर्णन भाग है, ठीक है। उसके बाद डी भाग देखिए, डी भाग क्या है, डी भाग है आपका धारा चालन के लिए यह दिक परिवर्तक पर सवारी करता है। तो इस तरह ये आपका देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।